Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. Hello dear students from class 6. आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3. लेकिन इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको कुछ नियम पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इक्वल्स, ये सभी आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. देखिए, यदि कोई क्वेश्चन दे दिया इंक्रीज्ड बाई, मोर देन, सम, प्लस, एडेड टू, टोटल ऑफ, टूगेदर, कम्बाइंड, तो इन सभी का मीन्स एडिशन होता है. क्या? इन सभी का मीन्स एडिशन. डिक्रीज्ड बाई, लेस देन, डिफरेंस ऑफ, माइनस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, रिमेन, फेवर देन, तो इन सब का मीन्स सब्ट्रैक्शन. ऑफ टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाई, प्रोडक्ट ऑफ, इनका मल्टीप्लीकेशन, और इसका डिविजन, इसका इक्वल्स. इन सबको कॉपी में नोट कीजिएगा. नोट करने के बाद अच्छे से समझ लीजिए कि किसके स्थान पर क्या हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज होता है, उसको क्या समझेंगे. ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज पर चलते हैं. पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक्सप्रेस ईच फ्रेजेस एज इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, इसमें ए टू जे पार्ट है. देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा. तो हम पहले पार्ट को देखते हैं. पहला पार्ट जो दिया गया है, बी मल्टीप्लाइड बाई 46. बी मल्टीप्लाइड बाई 46 यानी कि 46 बी. बी जो पार्ट है वो है 30 माइनस थ्राइस एच. देखिए डायरेक्ट 30 माइनस थ्राइस एच. देखिए ट्वाइस का मीन्स होता है दो गुना, थ्राइस का मीन्स होता है तीन गुना, तो यहां पर थ्राइस एच, एच का थ्राइस माइनस 30 भी हो गया. सी जो है 4 times u divided by 36. 4 times u divided by 36. डी पार्ट है क्वाइटेंट ऑफ 23 एंड ई. क्वाइटेंट ऑफ 23 एंड ई बुक में दिया है. क्वाइटेंट का मीन्स क्या होता है? क्वाइटेंट का मीन्स डिवीजन होता है. तो यहां पर क्वाइटेंट ऑफ 23 एंड ई, तो ये हो गया 23 डिवाइड बाई ई. ओके, और इसमें बहुत से पार्ट हैं, आप सभी लोग सॉल्व कीजिएगा. डी तक हो गया है. 8 less than y, y minus 8. ओके, सब्ट्रैक्ट 3 times m from 19. 19 में से 3m को सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि 19 minus 3m. सम ऑफ ट्वाइस जेड एंड 34. सम ऑफ ट्वाइस, सम यानी योग, जेड का ट्वाइस एंड 34 यानी कि 2z plus 34. यहां हो गया 2z plus 34. 3 increased by 4 times p यानी 4p plus 3. 4 times p का मीन्स होता है चार बार p है और उसमें 3 जोड़ा गया यानी कि 4p plus 3. नेक्स्ट 33 increased by u plus 33 एंड द रिजल्ट डिवाइडेड बाई 10. ये जो है ये हो गया u प्लस 33 जो आएगा रिजल्ट डिवाइडेड बाई 10. ओके, आई j एडेड 6 टू k एंड डिवाइडेड 3 times ऑफ द रिजल्ट बाई 2. एड 6 टू k में हम 6 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड 3 times ऑफ द रिजल्ट बाई 2. जो इसका रिजल्ट आएगा इसमें हम डिवाइड करेंगे 2 से. 3 times यानी कि इसके रिजल्ट में हम 3 times डिवाइड करेंगे किससे? 2 से. ओके, ये हो गया पूरा फुल सॉल्यूशन. दूसरा क्वेश्चन, राइट ईच एक्सप्रेशन एज ए वर्बल एक्सप्रेशन. देखिए फ्रेज से अलजेब्रिक और एक्सप्रेशन से वर्बल एक्सप्रेशन, इसको क्या करना है? जैसे इसको मैंने इस फॉर्म में किया, अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना है. तो इसको लिखेंगे आर प्लस 41 ना, तो 41 इंक्रीज्ड बाई आर, 41
इंक्रीज्ड बाई आर। कैसे हम लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, यहां से हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको याद करके। आर प्लस 41 ना, 41 तो हम मोर देन लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं, तो हम इंक्रीज्ड बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 41 इंक्रीज्ड बाई आर। ए है 49 डिफरेंस ऑफ ए, तो इसमें क्या करेंगे, 13 एडेड टू 5 टाइम ऑफ एक्स, 13 एडेड टू 5 टाइम ऑफ एक्स, इसमें 28 सब्ट्रैक्टेड ऑफ थ्राइस वाई। उसी तरह से भी सब करना, देखिए ए डिवाइड है 3 टाइम, सॉरी यहां पर 18 डिवाइडेड बाई एन, 18 डिवाइडेड बाई एन, तो इसमें क्या करना है इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, 8 टाइम एक्स डिवाइडेड बाई 12, 3 टाइम क्यू डिवाइडेड बाई 5 होल रिजल्ट सब्ट्रैक्टेड 3। इसी तरह से सबको करना है। ए जो है पहले लिखेंगे 15 इंक्रीज्ड बाई एक्स, 15 इंक्रीज्ड बाई एक्स द रिजल्ट, और उसके बाद लिखेंगे 15 इंक्रीज्ड बाई एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई द रिजल्ट ऑफ 7। कहने का मीन्स सबसे पहले हम x में 15 को ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सबको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड मेंशन हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्मड। इस क्वेश्चन में जो पढ़ना है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, सबसे पहले ऑपरेशंस लगाना। ठीक है, आइए बोर्ड को देखते हैं, एक एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें एक्सप्रेशन लिखिएगा, ऑपरेशंस लिखिएगा, हाउ टू एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड, इन तीनों चार्ट को बनाइएगा। वैसे मैं यहां पर राइट कर रहा हूं, अभी देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एक्सप्रेशन, यहां पर ऑपरेशंस, यहां पर हाउ टू एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड। ओके, तो यहां पर जो हमारा पहला दिया गया है, फर्स्ट वाला पोर्शन, वो है 2x प्लस 4। ऑपरेशंस में क्या देखना है, ऑपरेशन इसमें क्या यूज हुआ है, प्लस यूज हुआ ना, तो इसमें देखना है सिंपली प्लस, क्या प्लस, और क्या यूज हुआ है, मल्टीप्लाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई एंड एडिशन, तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ओके, एक कैसे बना है, 4 इंक्रीज्ड बाई, लिखेंगे 2 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड 4 इज एडेड टू द प्रोडक्ट। सिंपली ये करना है। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है 9y-4, इसमें भी देखिए मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन लिखिएगा इसको, और कैसे लिखा गया है, 9 इज मल्टीप्लाइड
बाई वाई एंड सब्ट्रैक्टेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड फोर सब्ट्रैक्टेड टू द प्रोडक्ट, सेम इसी तरह का बना लीजिएगा। सी जो पार्ट है इसमें दिया है y प्लस टू प्लस सेवन। देखिए यहां पर डिवीजन है, डिवीजन प्लस एडिशन, डिवीजन प्लस एडिशन, y इज डिवाइडेड बाई टू प्लस सेवन यानी कि इंक्रीज बाई सेवन। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे अगली एक्सरसाइज, ठीक है, वो हमारा स्टेटमेंट पर आधारित रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।